स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैंने अपने पेज का नाम कर दिया है क्रिएटिव कॉर्नर। तो वेलकम टू सेवीज क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक हैंगिंग पेन होल्डर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एक बहुत बड़ा थैंक यू। जी हाँ, जो लोग मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोज़ को, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए होगा अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो कि हमारे घर पर एक वेस्ट मटेरियल की तरह से अवेलेबल रहता है हमेशा ही। और एक इस तरीके का कंटेनर हमें चाहिए होगा जो पेन होल्डर हमारा बनेगा। ऑफकोर्स यहाँ पर पहले से ही मैंने इसके अंदर ये डाला है, तो कुछ इसी टाइप से ये बनने वाला है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं इसके अल्टरनेट। और फाइनली हमें कलर्स चाहिए होंगे और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हॉट ग्लू गन को हम यूज़ कर सकते हैं और थ्रेड हमारा यूज़ में आएगा, लेकिन वो लास्ट की बातें हैं। पहले सबसे पहले हम अपने कार्डबोर्ड को लेंगे। इस तरीके से आप कार्डबोर्ड लीजिए। यहाँ पर मेरा कार्डबोर्ड छोटा है। आपके पास अगर सिंगल में बड़ा है कार्डबोर्ड तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाफ ड्रॉ करी हैं, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, डोरेमोन का फेस आधा ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ही वो है। तो आई एम ड्रॉइंग हेयर माई डोरेमोन, माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। सेकेंड, यहाँ पर उसकी बॉडी मैंने ड्रॉ करी है, इसके हैंड्स मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारा ये DIY, डू इट योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। डोरेमोन के बॉडी पार्ट्स कट चुके हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर डोरेमोन के बॉडी पार्ट्स को कट किया है। ये इसके हैंड से यहाँ पर, और ये जो कंटेनर हमारे पास था इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। आप इसको कट करते ही आपसे ये रैपर खुद ब खुद ही बाहर निकल जाएगा, तो इसको पेंट ना करिएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। और हमें वाइट ही चाहिए कंटेनर्स, तो एक्चुअल में वाइट ही मिल गए हैं, रैपर खुद ही साइड हो गया है। तो अब ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये थोड़ा रफ फिगर है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही नज़र आने वाला है। इसके लिए हम बेस पर एक चार्ट पेपर की हेल्प से, ये चार्ट पेपर इस पर चिपकाएंगे अपने फेविकॉल की हेल्प से, और फिर उस पर कलर करेंगे, जिससे डोरेमोन एक रियलिस्टिक टच में हमारे सामने आएगा और हमारा पेन होल्डर बनके तैयार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के इस प्रोसेस की ओर और बनाते हैं अपनी फर्दर वीडियो में पेन होल्डर, जिसका थीम है डोरेमोन। We'll be right back.
सी फ्रेंड्स, हमारा डोरेमोन यहाँ पर रेडी है जो कि होल्ड करेगा आपके पेन को। साथ ही मैंने इसकी हैंगिंग के लिए यहाँ पर थ्रेड यूज़ करा है जिसे आप वॉल पर इसे हैंग कर सकते हैं। ये होल्ड करेगा आपके पेन को और ये है हमारा डोरेमोन थीम का पेन होल्डर। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये होल्ड करता है हमारे पेन को। और एक और बात, यहाँ पर मैंने वैसे तो इस कंटेनर को हॉट ग्लू गन की हेल्प से चिपकाया है, बट इसकी मजबूती के लिए मैंने इसमें भी थ्रेड यूज़ करा है ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे पेन को अच्छे से होल्ड कर सके, हमारी स्टेशनरी को अच्छे से होल्ड कर सके। तो चलिए इसे वॉल पर हैंग करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पेन्स को होल्ड करता है और हमारे घर में एक शोपीस की तरह भी वर्क करता है। तो लेट्स सी, बस अब हैंग। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा डोरेमोन थीम का पेन होल्डर जिसमें मैंने अपने पेन्स को रख दिया है। आप भी ऐसे इजीली वेस्ट मटेरियल की हेल्प से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेस्ट मटेरियल और कर सकते हैं उसका फिर से यूज़। ये आपके घर की डेकोरेशन में भी हेल्प करेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके। प्लीज़ डू कमेंट, डू सजेस्ट और कोई एडवाइस, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।